आशुतोष मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष देखिए, हम सभी जानते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा था, ठीक है। उसके बाद अब ये आज जो कार्रवाई चल रही है दिल्ली और मुंबई में, दरअसल ऑडिट तो पूरे साल किसी भी कंपनी का होता रहता है, अचानक से ये आयकर की अनियमितताएं निकल आई, ये महज संयोग है या फिर ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है या फिर ये जानकारी पहले थी लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जब तक कुछ औपचारिक तरीके से ना आए तब तक हर तरह की संभावनाएं कयास लगाने के लिए खुले रहते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है कि आज ही सुबह आपने आज गृहमंत्री अमित शाह के उस इंटरव्यू में बीबीसी का सवाल सुना, उस पर उनका जवाब सुना कि देखिए ये तो ऐसी कोशिशें बहुत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। और इतना दिलचस्प है कि इधर वो बयान आता है और उसके एक घंटे बाद ये खबर आती है कि इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो पहुंच गई हैं बीबीसी के दफ्तर पर। आपको बताएं, ये बीबीसी का मुख्यालय नहीं, ये बीबीसी का ब्यूरो है। न्यूज ऑपरेशन जो जानते वो अच्छी तरह समझते हैं कि ब्यूरो की जो अपनी कार्यशैली है वो कितनी सीमित होती है, लिमिटेड होती है। यहां तक कि जो न्यूज गैदरिंग टीम है मेरे ठीक पीछे इस कनॉट प्लेस की बिल्डिंग में पांचवी और छठवीं मंजिल पर, यहां बीबीसी का ऑडियो जो रेडियो रिकॉर्डिंग है वो यहां पर होता है, उनके स्टूडियो है जो न्यूज गैदरिंग का काम करते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री का ऑपरेशन है वो दिल्ली से संचालित नहीं होता। लेकिन अभी कई सारे जो कर्मचारी हैं वो ऊपर हैं, उनके फोन सीज कर लिए गए हैं, ये प्रक्रिया है। आप इसे रेड कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए, सत्यापन की प्रक्रिया कह लीजिए, लेकिन एक प्रक्रिया है। यहां पर देखिए कि जो है जवान यहां पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस है, सुरक्षा व्यवस्था, और उसी के तहत फोन सीज करके बहुत सारे जो एडिटोरियल कर्मचारी हैं वो अभी पांचवी मंजिल पर मौजूद हैं। साथ ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है, वो भी यहां पर मौजूद है। बहुत सारे एम्प्लॉय को कहा गया फोन सीज करके आप घर जाइए, लेकिन वो घर नहीं गए हैं, पांचवी छठवीं मंजिल पर दफ्तर के ठीक बाहर है। इस समय न्यूज ऑपरेशन चाहे वो रेडियो का हो या टेलीविजन के लिए जो डिजिटल उनका जो प्रोग्रामिंग है वो फिलहाल सब कुछ रुकी हुई है, क्योंकि इस समय इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है वो अंदर है। तो ऐसे में मौका मिला विपक्ष को कि देखिए इधर एक डॉक्यूमेंट्री आती है जो बीजेपी की क्रिटिकल है, जो प्रधानमंत्री की आलोचना करती है, और सीधे सीधे आज गृहमंत्री की बात जो कहते हैं कि देखिए ये तो कोशिशें होती रही हैं। और ऐसे में ठीक इस तरह आयकर विभाग की टीमों का दिल्ली और मुंबई पहुंचना अब ये सवाल भी खड़ा करेगा, और ऊपर से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्था, सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक, और बीबीसी के ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, देखिए दुनिया के कई देशों ने उनके रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए हैं। कहीं पर बीबीसी ने अगर किसी सरकार की तारीफ की है तो उसको तारीफें मिलती है, जहां वो आलोचना करती है वहां की सरकार, वहां का सत्ता पक्ष हमेशा उसकी भी आलोचना करता है। लेकिन अब भारत में जो कुछ हुआ है, ये अगर आप अभी विपक्ष से प्रतिक्रिया सुन रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको लेकर के प्रतिक्रिया थोड़ी देर में बीबीसी के भी ओर से आए, और उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये मसला सिर्फ यही शायद न रुके, क्योंकि अभी शायद ये शुरुआत हो सकता है, बढ़ते जैसे जैसे दिन बीतेगा आप देखेंगे कि इसका दायरा, इस पर प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं का जो दायरा है वो काफी बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, इस समय नजर सबकी इस दफ्तर में है जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम है, मुंबई के साथ साथ दिल्ली का ये जो ब्यूरो ऑफिस है बीबीसी का, यहां पर अब जाहिर है यहां कर्मचारी काम करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट किस तरह के, जो सालाना टैक्सेशन की प्रक्रिया है कहीं उसमें कोई गड़बड़ी है, अनियमितता है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को लेकर के सवाल है, या कोई ऐसा कार्यक्रम जिसकी फंडिंग को लेकर के सवाल है कि कहीं और से किया गया हो, सब कुछ मामला आयकर विभाग है, तो कहीं ना कहीं वित्तीय कथित अनियमितताओं का मामला है। वो कैसे जुड़ा हुआ है ये जब तक औपचारिक रूप से या तो आयकर विभाग ना कहे, वित्त मंत्रालय ना कहे, या फिर टैक्सेशन विभाग की ओर से ना कहा जाए, तब तक ये पूरी तरह कयासों के लिए खुला है। और इसीलिए इतनी बड़ी घटना है कि पूरी राजधानी में आप देखिए फोटोग्राफर से लेकर के पूरी देश की मीडिया का यहां जमावड़ा है, हर कोई ये देख रहा है कि बीबीसी के दफ्तर में आयकर की टीम पहुंची है। प्रारंभिक तौर पर रेड कहा गया, अब उसके बाद कहा गया कि ये सर्वे है, वेरिफिकेशन है, क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है। बने रहिए हमारे साथ आशुतोष, जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये बहुत मुमकिन है कि आयकर विभाग ऐसे ही खाली हाथ लौट आए, बोले कि ये रूटीन सर्वे था, हमने दिल्ली मुंबई में किया, लेकिन एक कड़ा और बड़ा संदेश दरअसल ये बीबीसी को भी देने का मकसद हो सकता है? देखिए, कुछ इसी मकसद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, और बताया जा रहा है कि पांचवें छठवें फ्लोर के साथ साथ 11th फ्लोर पर भी बीबीसी ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मौजूद है, और वो कुछ दस्तावेज वहाँ से हासिल कर रहे हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीनियर अधिकारी जो हैं उनको उन्होंने अलग से बिठा करके जानकारी हासिल उनकी तरफ से की जा रही है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तमाम दस्तावेजों को उनकी तरफ से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रही हैं कि वो लोग अदानी के मुद्दे को लेकर के संसद के अंदर सवाल उठा रहे थे, लेकिन इधर तो छापा जो है वो बीबीसी के ऑफिस में पड़ने लगा है। तो इस तरीके की बातें विपक्षी पार्टियां उठा रही और पूरे संसद सत्र के दौरान उनकी तरफ से इसी तरीके का हंगामा किया जाता रहा है। लेकिन आज का देवेश सिंह मेरे सहयोगी सर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं। देवेश, जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई दिल्ली में हो रही है, 15 अफसरों की टीम बताई जा रही है, उसी तरह की कार्रवाई मुंबई में है या फिर वहां पर भी सर्वे का नाम देकर कम लोगों की टीम को भेजा गया? दिल्ली इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की टीम मौजूद है बिना किसी को बताए, मतलब उन्होंने मुंबई इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन की भी मदद नहीं ली है। दिल्ली से अफसर मुंबई पहुंचे हैं और उसके बाद सांता क्रूज स्थित बीबीसी के दफ्तर पर गए हैं, वहां पर इन्होंने सर्वे शुरू किया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है इनकम टैक्स विभाग द्वारा, उसके मुताबिक टैक्स इवेजन का सस्पेक्शन है, टैक्स इवेजन सस्पेक्ट किया जा रहा है और उसी बेसिस पर ये सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे इसलिए किया जाता है कि ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे अकाउंट, सारे खर्चे वेरीफाई किए जा सके, इनकम वेरीफाई किया जा सके, रेवेन्यू वेरीफाई किया जा सके और उसको वेरीफाई करने के बाद जो टैक्स इवेजन है उसमें किस तरीके की जो इंटेलिजेंस है उसे उससे मैच किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन जो रिसीव की गई थी, जो इंटेलिजेंस रिसीव की गई थी वो सही है या नहीं, और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। आगे एक सेटिस्फेक्शन नोट बनेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी, आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, नोटिसेस इशू की जाएंगे। आप मौके पर पहुंचिए, आपसे और जानकारी लेंगे किस तरीके की यह सर्वे है, किस तरीके की कार्रवाई है। बड़ी खबर ये कि बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की टीम ने सर्वे किया है। दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के पेपर्स का सर्वे कर रही है। बीबीसी पर अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगा है। वित्तीय अनियमितता के आरोप में बीबीसी पर एक्शन इस वक्त भी जारी है। इनकम टैक्स के 15 अफसर बीबीसी का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। जिन कर्मचारियों की शिफ्ट इवनिंग में है उन्हें दफ्तर आने से ही मना कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि कल वो घर से ही काम करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है। बीबीसी उर्दू सर्विस के लोग घर पर रहें, वहां से ही काम करें। जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया है। अभी भी जो कुछ लोग दफ्तर के अंदर हैं उनके फोन ले लिए गए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या ताजा अपडेट है सर्वे के बारे में? देखिए, तकरीबन 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ पर जो बीबीसी का सबसे पहले जो 6th फ्लोर पे ऑफिस है जहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है नेहा, वहाँ पर पुलिस के जो आईटी की टीम है वो पहुँचती है। करीब 15 से 20 जो आईटी के ऑफिशियल्स है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर वो पहुँच के सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए आए हैं और वहाँ पर उन्होंने जो इम्प्लॉयज थे वहाँ पर सर्वे शुरू किया और जो कुछ इम्प्लॉयज जो मेन जो पद पे थे जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उनका सबसे पहले फोन ले लिया गया और उसके बाद जो दूसरे फ्लोर पे जो बीबीसी का ऑफिस है इस बिल्डिंग के अंदर वहां पर बीबीसी के जो इनकम टैक्स के अधिकारी थे वो पहुंचते हैं और उसके बाद जो पूरी छानबीन है इनकम टैक्स की वो शुरू होती है। तकरीबन 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त हो गया है और अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। इस बीच जो बीबीसी की तरफ से कहा गया कि जो जिन इम्प्लॉयज की शिफ्ट बाद में थी उन्हें घर पे ही रह करके काम करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर लगातार सर्वे जारी है और अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आया है। उनका जो जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि जो वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लग रहा था उसके बारे में कोई जानकारी मिली थी इनकम टैक्स के अधिकारियों को और जिसके बाद ये टीम न सिर्फ यहाँ दिल्ली के ऑफिस बल्कि इसके साथ साथ मुंबई के भी ऑफिस एक ही वक्त पे वो वहां पर टीम पहुंचती है और यहां पर आप देखिए इनका अंदर जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और खास तौर से जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है क्योंकि वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है इसलिए अकाउंट डिपार्टमेंट जो था वहां पर सबसे पहले पहुंची। और ये देखिए जो मेन गेट है इस बिल्डिंग का, इसमें कई और भी दफ्तर हैं, यहां इस गेट को बंद किया गया है और जो इम्प्लॉयज दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे जो है उन्हें तो अंदर
अंदर आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन बीबीसी के जो इम्प्लॉय वो अब नहीं जा रहे हैं, जिनकी शिफ्ट बात की थी वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगातार जो जांच है, जो प्रक्रिया है, वो इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 15 से 20 अधिकारी की संख्या थी जो यहाँ पर पहुंचते हैं, और जो जानकारी है कि वो तमाम जो अकाउंट है, जो लेन देन है, उसकी इंफॉर्मेशन जो अधिकारी अंदर मौजूद थे, जो कर्मचारी अंदर मौजूद थे बीबीसी के, उनसे यहां पर वो जानकारी एकत्र कराई जा रही है। और साथ ही साथ अभी तक को अगर हम कहें कि कोई आधिकारिक बयान, तो आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वित्तीय अनियमितताओं का आरोप था। इस आरोप के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी सूत्रों के मुताबिक, उसके बाद इस सर्वे को कहा गया, क्योंकि ऑफिशियली सर्वे की तरफ से ही कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जब बीबीसी के अधिकारी यहां पर पहुंचे तो अंदर कर्मचारी मौजूद थे और किसी को इसके बारे में जरा भी भनक नहीं थी। और जब अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं अंदर इस बिल्डिंग में, आप देखिए इस बिल्डिंग में जब पहुंचते हैं अधिकारी तो काफी कर्मचारी अंदर मौजूद थे, जो हिंदी डिपार्टमेंट है नेहा, वो लोग यहां पर मौजूद थे। और सबसे पहले जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंचते, उसके बाद जो दूसरे फ्लोर पे जहां पे एडिटोरियल की टीम थी वहां पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचते हैं। तो अभी जांच लगातार जारी है, और खासतौर से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ये छानबीन की जा रही है। उस तमाम जो आरोप थे कि वित्तीय अनियमितताएं हैं, उनको लेकर के डॉक्यूमेंट्स अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उसकी छानबीन, उसकी जानकारी यहां पर जुटाने का काम किया जा रहा है। 2 घंटे का करीब वक्त बीत चुका है जब 15 से 20 अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं, और उस दफ्तर को जहां पर ये छानबीन चल रही है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जी नेहा, और वो कार्रवाई अभी भी जारी है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए सिर्फ कांग्रेस ही आलोचना नहीं कर रही है इस एक्शन की, अक्रॉस पार्टी लाइंस, जिसमें महुआ मोइत्रा ने भी खुलकर ट्वीट किया है, इस पूरे एक्शन की आलोचना की जा रही है। बिल्कुल नेहा, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब संसद सत्र चल रहा था उस दौरान भी उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठाया था, और उनकी तरफ से कहा गया था कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही जा रही थी। संसद परिसर में कई नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो चाहते हैं कि सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और जब विपक्षी पार्टियों की बैठक भी हुई थी उस दौरान ये तय किया गया था कि इस मुद्दे पर वो सरकार से जवाब चाहते हैं। लेकिन अभी की जो ग्राउंड सिचुएशन, मैं बीबीसी के ऑफिस पर मौजूद हूं और यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि यहां जो है 15 से 20 अधिकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं वो मौजूद हैं, और ये जो गेट आपको दिखाई पड़ रहा है इस गेट को पूरी तरीके से इस वक्त बंद कर दिया गया है। और सामने जो आप कर्मचारी देख रहे हैं, इन कर्मचारियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 5वें और 6वें फ्लोर से बीबीसी के कर्मचारी हैं, उनको नीचे उतार दिया गया और ये कहा गया है कि अब आप ऑफिस के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो सेकंड शिफ्ट वाले कर्मचारी हैं, जो लोग कि यहां पर एडिटोरियल में काम करते हैं, उनको भी ये कहा गया है कि आप लोग अब कल आएंगे, आज के लिए उनको मना किया गया है। तो इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। ऐसे ही मुंबई में जो इस वक्त छापेमारी चल रही है नेहा, वहां पर भी 15 से 20 के आसपास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बारे में सूचना मिल रही है, और वो लोग तमाम दस्तावेज इस वक्त इकट्ठे कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ अनियमितता की जानकारी उनके पास मिली थी, जिसके आधार पर इस तरीके का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है, जो लोग आ जा रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो बाहर हैं वो बाहर की तरफ रहें और जो अंदर हैं वो अंदर की तरफ रहें। हालांकि इस बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें दूसरे ऑफिसेज भी हैं। HT बिल्डिंग है और इसके ऊपर जो कई महले अलग अलग हैं वहां पर भी दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं, जो कि यहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी अभी ये कहा गया है कि आप बाहर ही रहें, क्योंकि जो अंदर हैं वो अंदर हैं और जो बाहर हैं बाहर हैं, उन लोगों को इस तरीके की हिदायत दी गई है कि अभी अंदर किसी को नहीं आना है। वहीं 5वें और 6वें फ्लोर पर भी इस वक्त जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग मौजूद हैं वो लोग छानबीन कर रहे हैं। जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वहां पर भी छानबीन की जा रही है और तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा किया जा रहा है इस वक्त। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के मोबाइल फोन्स को भी अलग रखवा दिया गया और ये कहा गया है कि इस फोन को अलग रख के वो लोग बाहर की तरफ निकल जाएं। और 5वें और 6वें फ्लोर से बहुत सारे लोग नीचे भी आ चुके हैं, जो यहाँ का परिसर है यहाँ पर वो बहुत सारे लोग दिखाई भी पड़ रहे हैं।